हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ज्योति और आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम, तो चैनल का नाम है कशिश व्लॉग रियल लाइफ। तो बहुत से लोगों को मतलब नाम नहीं पता रहा होगा, तो मैंने बता दिया मेरा नाम ज्योति है। और मैं कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने इसके जो नेक्स्ट वीडियो अभी डाला है, तो उस वीडियो में जब मैंने अपलोड कर दी थी तब मैंने मैसेज पढ़ा था, तो बहुत से लोगों को शायद मतलब पूछ रहे थे कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया था इस कारण से, तो दो दिन हो गया था इस वजह से आप लोगों को टेंशन होने लगी थी, फिक्र हो रही थी। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतनी फिक्र करते हैं, इतनी मेरे बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप लोग इतना समझते हैं, सोचते हैं। तो मेरा सारा काम करने के बाद अभी मैं बिस्तर उठा रही हूँ, क्योंकि ये लोग उठे नहीं थे सोकर। इतने में मैंने बाहर के जितने भी काम थे वो सारे निपटा दिए हैं, पानी वगैरह भरना और झाड़ू बर्तन सभी काम हो गए हैं पूरा कंप्लीट। यहाँ तक कि मैंने नहा भी लिया है, क्योंकि मुझे सुबह से कपड़े भी धोने थे, कल धो नहीं पाई थी तो उसके कारण फिर मैंने गीला हो गई थी, तो फिर मैंने नहा भी लिया। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो अभी उठे हैं। कार्तिक भी अभी उठा है सोकर, तो बस अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और ये आज ही यहाँ पर बिस्तर लगाया है, अब कल से नहीं लगेगा। मतलब अभी तक लगाते रहे नीचे, पर फिर से चूहे आने लगे ना, तो दिक्कत होती है, डर रहता है कि कहीं, क्योंकि एक बार नुकसान पहुँचा चुके हैं चूहे आते हैं जब नीचे, तो मेरे हस्बैंड का ना अंगूठा कतर दिए थे, तो इस वजह से अब मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी नीचे। इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर की जो सेटिंग है ना वो बदलने वाली हूँ, थोड़ा सा लुक, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को, नेक्स्ट या उसके बाद शायद आप तक पहुँच जाएगी। तो बस अभी मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके और ये वाली तो निकाल देती हूँ, और ये जो मच्छरदानी जो पलंग में लगी हुई है उसको मैं वहीं के वहीं टंगा दूँगी। और मच्छरदानी तो नहीं लगाती थी मैं, पर अभी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मच्छर आने लगी ना, तो मच्छरदानी अब मैं लगा देती हूँ। और अच्छा भी रहता है इससे, कम से कम रात भर सुकून से सो तो सकते हैं। और यहाँ पे कार्तिक सो जाता है तो उसके लिए मैं पलंग में लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है वैसे ही उनको रात बिरात होश रहता नहीं है, तो वो ऐसे डले रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मच्छर काट रहे कि क्या। तो बस मैं लगा देती हूँ मच्छरदानी। और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि सच में कितने अच्छे हैं आप लोग। मेरी भी मतलब आप लोग मेरे परिवार की तरह हैं। तो किसी ने गैस किया होगा तो वही उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी फैमिली की तरह हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा सच में, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आप लोग इतना समझते हैं, मानते हैं। आप लोग तो खैर मुझे देखते ही होंगे, पर मुझे दुख होता है कि मैं नहीं देख पाती आप लोगों को। और आप लोग को तो वैसे भी मेरा सारा रूटीन जो भी रहता है वो देखने को मिलता है। और हम लोग तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ जो दूसरे दिन के थे, तो वो वाले जो रोज़ ही कपड़े निकलते हैं तो रोज ही मैं लाकर अंदर रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन ही फोल्ड करती हूँ, शाम तक सूख पाते हैं तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फिर काम भी रहते हैं बीच में ना, तो ध्यान नहीं रह पाता है कि कपड़े फोल्ड करने का। और यहाँ पर मैं अलमारी में भी जितने मैंने फोल्ड किए हैं सब सेट कर दूँगी। अब मैं झाड़ू लगा दूँगी सामने के कमरे में। और आज मतलब वीडियो जो बना रहा है वो कार्तिक बना रहा है। और आप लोगों ने पूछा था कि मैं किस चीज़ से शूट करती हूँ, तो मैं अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ फ़िलहाल, तो क्योंकि दो मोबाइल हैं, पर मैं अपने मोबाइल से बनाती हूँ वीडियो, उसी से सारा काम करती हूँ। और एक और कमेंट था गार्लिक, मैंने जो गार्लिक पाउडर बनाया है
तो वो मैंने ऐसे ही बना लिया था सिस्टर, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ही मुझे बताया था छोटी वाली। तो मेरे पास काफ़ी सारा वो था लहसुन, तो मैंने ऐसे ही पहले बनाकर ट्राई किया। मैंने सोचा क्या पता कैसा बनता है कैसा नहीं, तो पहले मैं खुद ट्राई कर लेती हूँ फिर आप लोगों से बताती हूँ। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली आप लोगों से ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के सामने बना कर देखूँ। पर उस दिन क्या हुआ था कि मैंने जब पूरा काम कर लिया था तब, और मोबाइल में मेरी बैटरी भी नहीं थी, इस वजह से मैं उसमें वो नहीं कर पाई वीडियो। नहीं तो मैं सोच ही रही थी कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो अब की बार मैं बनाऊंगी ना तो ज़रूर से आप लोगों से शेयर करूँगी। तो और यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम मैंने कर लिया है, अभी बस अब मैं चाय पीऊँगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, मैंने 1 घंटे में पूरा काम कर लिया है। और आज तो मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, तो अभी बनाई हूँ, तो बस फ्री होकर बैठी हुई हूँ। हेलो एवरीवन, और कैसे गया खाना? मैंने दाल चावल बनाया है इसीलिए रेसिपी शेयर नहीं की है, बस दाल चढ़ी है कुकर में, बन रही है, चावल बन चुका है, दिखा। अभी हम लोग ने नाश्ता वगैरह करके बैठे हैं। नाश्ता में बनाया था चाइनीज़, क्योंकि 2 दिन से कार्तिक ना बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था कि चाइनीज़ खाना है, तो बस चाइनीज़ खाया। और मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, मैंने कुछ नहीं लगाया है, अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नहा कर और सुबह और सीधे काम शुरू कर दिए थे मैंने, क्योंकि सुबह काम किए थे ना तो गीले हो गए थे ना, तो फिर मैंने सुबह बहुत जल्दी नहा लिया था 7:30 बजे, और ये लोग सो रहे थे तब तक मैंने अपना काम भी कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सारा काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे गेहूँ साफ करना है, क्योंकि उनको पिसवाने के लिए चक्की में रखना है। तो चलिए मैं फटाफट से गेहूँ भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चक्की भी बंद हो जाएगी, उसका भी टाइम टेबल रहता है। अभी लॉकडाउन के कारण 12-1 बजे तक ही दुकानें खुली होती हैं, उसके बाद फिर पूरे दिन बंद रहती हैं। तो बस अभी उनको साफ़ करना है, सूख गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, तो चलिए। और यहाँ पर अब मैं गेहूँ को साफ़ करके दे दूँगी, तो अभी 12 बजे तक आटा गेहूँ पिस जाएगा, क्योंकि आटे की चक्की भी है ना जो है वो बंद हो जाती है, 12-1 बजे करीब तक बंद हो जाती है लॉकडाउन के कारण, तो ऐसे ही चल रहा है। तो और मतलब मेरा घर कैसे चलता है, मैं एक ही कमेंट था कि घर कैसे चलता है, हम लोग दोनों जन घर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा है सिस्टर कि अभी फिर गए हैं डॉक्टर साहब बाहर, तो वो हम लोगों को तनख्वाह देकर गए थे 1 महीने की, तो हम लोगों ने फ़िलहाल राशन भर लिया है, उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ से सब्जी भाजी के लिए खर्चा आता है 1,500 रुपये का, तो वो मेरी सेविंग थी थोड़ी बहुत, तो उसमें से मैंने निकाल लिए हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत करके खर्चा चला रहे हैं, अभी बस कटने ही वाले हैं कुछ दिन और फिर क्लिनिक खुल जाएगी, तो फिर हमारा सब ठीक ठाक से चलेगा, और अभी भी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मैं कार्तिक को खाना दे रही हूँ, खाना मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि दाल चावल ही मैंने बनाया था, तो बस मैं उसको दाल चावल दे रही हूँ। और इसी तरीके की दाल बनती है हमारे घर में, क्योंकि ज़्यादा मसाला प्याज टमाटर बस डालती हूँ, प्याज वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो ऐसी अच्छी लगती है दाल, तो बस ऐसे ही मैंने बना ली। और कार्तिक को दे रही थी खाना, अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है, और मैं बना रही हूँ आम का जूस, कच्चे वाले कच्चे कैरी का। तो तेज़ धूप थी और अभी 3 ही बज रहे होंगे, और बस कार्तिक का काम है, रोज़ आम तोड़ लेता है, रोज़ नहीं बनाती हूँ मैं, कभी कभी बनाती हूँ, तो वही मैंने आम अभी बनवा रहा है वो, क्योंकि मैं सो रही थी और उसने सोने नहीं दिया, और आम का जूस पीना उसको, तो वो मैं बना रही हूँ। पुदीना तोड़ के रखा था इतने अच्छे से धो के साफ़ करके, तैयारी में मतलब तैयारी पूरी कंप्लीट करके रखा हुआ था कि मम्मी जूस बना देगी। और बहुत ही अच्छा समर ड्रिंक है ये, बहुत ही अच्छा लगता है, अगर नींबू का रस हो या मतलब नींबू का जूस बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, एकदम टैंडी फ्लेवर आता है, और रसना वगैरह से भी बहुत ही अच्छा रहता है ये, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना, वैसे किसी भी जूस में ज़्यादा काम नहीं रहता है, पर घर में चीज़ हो तो फिर आसानी हो जाती है बनाने में। मैंने कभी बनाया नहीं था, अभी 1 ही साल से मैं ये बना रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही देखा था वीडियो में, तो मैंने सीखा फिर बनाना,
तो अच्छा लगा था, तो फिर हम लोगों को बहुत पसंद आया। तो देखिए मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का आम लिया है आज, बड़ा वाला, और पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा काला नमक। नमक मैं इसमें दोनों नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा वाइट नमक जो हम डेली यूज़ करते हैं, और शक्कर डाल देंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि जितने गिलास हमें बनाना उसके अनुसार मैं शक्कर डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से पीस लिया है, बहुत ही अच्छे से बारीक करके, और इसको अच्छे से छानना है, और बहुत ही अच्छे से छानना है इसका, जितना भी मतलब इसके ऊपर ही जो मैंने पीसा था ना पेस्ट, उसी में पानी डाल के छानना है। तो यहाँ पर देखिए जूस बहुत अच्छे से तैयार हो गया और बहुत ही अच्छा लगता है सच में। और आज मैंने जीरा नहीं डाला है इसमें, जीरा डालती थी पर आज नहीं डाला है, मैंने सोचा बिना जीरे के बना के अच्छा लगेगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। बहुत अच्छा है।